पापा पापा, तुम भजन नहीं जाओगे? घर में एक भी चावल नहीं है। तब राजू बाग बाजार चला जाता है। फिर चावल और अनाज खरीद के लाता है। फिर राजू की बेटी टूकी खाना बनाने जाती है, लेकिन खाना बनाते बनाते अचानक उसकी हाथ जल जाता है। पापा कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। टूकी, ये कैसे हुआ? चल बेटी अंदर चल, तुझे और खाना बनाने की जरूरत नहीं है। टूकी की माँ एक हफ्ता पहले ही एक बीमारी के वजह से मर जाती है। टूकी के पापा राजू खेती करता था, इसलिए वो घर का काम नहीं कर पाता था, तो टूकी को ही घर के सभी काम करना पड़ता था। एक दिन टूकी की फूफी मिठू टूकी के घर पे आती है। सुन भैया, टूकी अब बहुत छोटी है, तू और भाभी को लेके मत सोच। इससे अच्छा है तू एक शादी कर ले। पास के जंगल में एक बिल्ली है, बहुत ही गरीब घर की है, देखने में भी बहुत सुंदर है। हमारे टूकी को अच्छे से रखेंगी, उसकी माँ की कमी भी पूरा करेगी। मिठू की बात सुन के राजू बहुत चिंता में पड़ जाता है। फिर एक दिन राजू मिठू की बात मान के मीनू बिल्ली को शादी करके लाता है। सुनो मीनू, ये है मेरी बेटी टूकी, तुम्हें तो पता ही है उसकी माँ मर गई है। उसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे पास मेरी एक ही विनती है, तुम मेरी बेटी को अच्छे से रखना। राजू, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं टूकी को सौतेली बेटी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह ही संभाल के रखूंगी। मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत सुकून मिला। सुन टूकी, तू अच्छे मीनू को ही मम्मी बुलाना, ठीक है? ये कह के राजू वहां से चला जाता है। और राजू जाने के बाद मीनू बिल्ली सोचने लगती है, अरे मैं ये कहां पे आ गई हूँ? अब तो देख रही हूँ और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखभाल करना पड़ेगा। फिर एक दिन टूकी उसकी नई मम्मी मीनू बिल्ली को बुला के कहती है, मम्मी आज मुझको बहुत खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, मम्मी आज खिचड़ी बना के दो ना मम्मी। उफ, ये लड़की तो बहुत परेशान करती है। और सुन, तेरी माँ मर गई है, मुझे बिल्कुल भी मम्मी मत बुलाना, समझी? और पूरा दिन इतना खाना खाना क्या है? तेरी माँ को खाके भी तुझे सुकून नहीं मिला, जा निकल यहाँ से। तब टूकी बहुत रोने लगती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। सुबह टूकी जब सो रही थी, तब मीनू बिल्ली टूकी को जोर जोर से बुलाने लगती है, टूकी टूकी, क्या हुआ और कब तक सोएगी? तब टूकी कहती है, क्या हुआ है मम्मी? सुन,
आज मैं घर पे नहीं रहूंगी, इसलिए तुझे ही घर के सारा काम करके खाना पकाना पड़ेगा। मैं घर लौटने से पहले ही सारा काम कर लेना, ठीक है? ये कह के मीनू बिल्ली वहां से चली जाती है। रास्ते पे जाते जाते अचानक मीनू बिल्ली के सामने एक शैतान आ जाता है। अरे मीनू, बहुत सज धज के निकली है, देख रही हूँ। तेरे पास जो जो है सब मुझे दे दे। शैतान, तुझे पता भी है तू किसके साथ बात कर रहा है? मैं राजू शेर की बीबी हूँ। अगर इसको पता चला ना, तो वो तुझको मार के जंगल में कर देगा, समझा? अरे तेरे पति को पता चलेगा तब ना। ये कह के वो शैतान मीनू बिल्ली को घायल करने जाएगा। उसी वक्त अचानक वहाँ टुकी आ जाती है और टुकी को देख के वो शैतान कहता है, टुकी समय से हट जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मेरी मम्मी को मारने आए हो? जाओ यहाँ से। हट जा टुकी, नहीं तो मैं इस छुरी से तेरा गला काट दूंगा। फिर वहाँ पे राजू शेर आ जाता है और राजू को देख के वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। फिर मीनू बिल्ली टुकी को कहती है, टुकी तू आज सही वक्त पे नहीं आती तो वो शैतान मुझे मर ही डालता। मैं इतने दिन तेरे साथ बहुत बुरा किया है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी, मैं पुरानी बात याद नहीं रखती हूँ और तुम जो अपनी गलती समझ गई हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद से मीनू बिल्ली टुकी को बिना वजह से नहीं डांटती थी, बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी।